हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू। आई गेस आप लोगों को पता चल गया होगा मैं किस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। सो मैं करने वाली हूँ लैसेस, फॉल्स लैसेस का रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये लेसेस का शर्ट आप लोग के साथ शेयर किया था, मैंने एक झलक दिखाई थी आप लोगों को कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए शेयर करना तो बनता है। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये फॉल्स लेसेस की प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये कैसा वर्क करता है, तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, तो आपको बताइए आपको क्या करना है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है जिन्हें मेकअप में इंटरेस्ट है, जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन चला जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है ये। आप देख सकते हो कितनी प्यारी, कितनी क्लासी पैकेजिंग है इसकी। सो मैंने ये मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। ये मुझे बहुत अच्छे से बबल रैप होके मिला था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। एंड ये देखते हो कितना बड़ा है। जब ये मुझे रिसीव हुआ था तो इसकी पैकेजिंग देख के मैं एक मिनट के लिए शॉक हो गई थी कि इतना बड़ा पैकेजिंग, बट ये इतने सारे मुझे रिसीव होंगे। सो इसमें टोटल 10 लेसेस हैं, 10 लेसेस का शर्ट है ये। एंड इसका सो इस फॉल्स लेसेस का नेम है रेड चेरी 3D आई लेसेस। सो लेसेस में भी बहुत सारे क्वालिटीज आते हैं, बहुत सारे वैरायटीज आते हैं। 6D आते हैं, 5D आते हैं, 3D आते हैं, तो ये 3D है। सो अगर आप बिगनर्स हो, तो अगर आप ज़्यादा हैवी नहीं चाहते हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं चाहते हो, तो आप इसके लिए ज़रूर आगे बढ़ सकते हो, ज़रूर ये ट्राई कर सकते हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप बिगनर्स हो। पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। सो ये है इसकी पैकेजिंग। सो ये इसका नेम लिखा हुआ मिलेगा, रेड चेरी 3D आई लेसेस। एंड आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि किस तरह से आपको फॉल्सेस अप्लाई करने हैं। एंड यहाँ पे जो 10 का सेट है वो आपको नंबर यहाँ पे मिल रहा है कि 10 का सेट है। यहाँ पे इतना विजिबल किया हुआ है जिससे कि आप अपने लैसेस देख सकते हो। तो आप देख सकते हो लैसेस गाइस। इस सो ये रही टोटल। सो ये 10 पीसेज है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड इसके नीचे और 5 का सेट है। तो इसमें टोटल 10 शेड है आई लेसेस के। एंड गाइज, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपको एक जैसे फॉल्सेस नहीं मिल रहे हैं। आप जितने भी इसमें फॉल्सेस हैं, जितने भी लेसेस हैं इसमें, हर एक का जो पैटर्न है, हर एक की जो वैरायटी है वो अलग है। हर चीज, हर लेसेस का जो डिज़ाइन है वो अलग है, एक जैसा एक भी नहीं है। कोई ज़्यादा हैवी है तो कोई थोड़ा नॉर्मल है। तो मैं आपको फर्स्ट दिखा रही हूँ ये। सो आप देख सकते हो ये बहुत ही लाइट सा है, बहुत ही लाइट सा है ये। सो अगर आप बिगनर्स हो, आप अभी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो फॉल्सेस अप्लाई करने में, सो आप ये नॉर्मल सा, सिंपल सा, बिल्कुल लाइट सा है ये गाइस, आप देख सकते हो। सो इस तरह के फॉल्सेस आप लगा सकते हो जो कि ज़्यादा हैवी भी नहीं लगेगा एंड आप इसमें कम्फर्टेबल भी रहोगे, और धीरे धीरे लगाते लगाते फिर आपको आदत हो जाएगी। सो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको डायरेक्शन लिखा हुआ मिल रहा है किस तरह से अप्लाई करना है। सो देन आपको नंबर लिखा हुआ मिल रहा है फॉल्सेस का। सो ये है 3D 15। सो ये था पहला। नेक्स्ट लेसेस है, आप देख सकते हो ये कितना हैवी है। सो आप कोई ड्रामेटिक लुक क्रिएट कर रहे हो, कोई ड्रामेटिक सा चाहते हो, या फिर आप कोई हैवी से पार्टी में जा रहे हो एंड आपको अपने आईज को बहुत ज़्यादा शो करना है, सो आप इस तरह के फॉल्सेस अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये। मीन्स आप अगर ये अप्लाई करोगे ना, तो आपके आईज से किसी की नज़र ही नहीं हटेगी। एंड अगेन आपको यहाँ पे इसका नंबर लिखा हुआ मिल रहा है। सो ये है 3D 28। नेक्स्ट थर्ड ये था। सो ये है 3D 80 एंड ये मैंने अप्लाई किया हुआ है अभी। आप देख सकते हो ये कितना नॉर्मल सा है। सो मुझे नॉर्मल सा लुक चाहिए था, तो मैंने ये वाला अप्लाई किया है एंड मुझे बहुत ही सटल सा ये लुक दिया है इस लेसेस ने।
आप देख सकते हो बिल्कुल हैवी भी नहीं लग रहा, बिल्कुल लाइट भी नहीं लग रहा, बहुत नॉर्मल, बहुत ही कंफर्टेबल है। सो मैं आपको सारे तो नहीं दिखाऊंगी, बट मैं आपको एक दो और दिखा देती हूँ। सो एक ये लैसेज है, सो ये इस तरह का है ना, क्रिस क्रॉस ऐसे करके आता है। सो ये इस टाइप का लैसेज है एंड इसका नंबर है 3D27। सो या सो ओवरऑल ये रहे सारे, सो सारे की वराइटीज, सो ये रहे सारे एंड हर एक लैसेज की वैरायटी अलग है, हर एक का डिज़ाइन अलग है, कोई भी सेम नहीं है, सब अलग है। सो आप जिस तरह का लुक चाहते हो, जिस तरह का भी लुक क्रिएट कर रहे हो, तो उस अनुसार से आप लैसेज अप्लाई कर सकते हो। सो ये मैंने आपको दिखा दिया लैसेज। तो अब करते हैं इसकी क्वालिटी की बात। सो क्वालिटी में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड आप इसके हेयर देख सकते हो गाइस, ये बहुत ही लाइट वेट हेयर है एंड ये बिल्कुल एक आता है ना वो प्लास्टिक सा आता है, हैवी सा लगता है, मोटा मोटा सा लगता है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। सो गाइज ये बिल्कुल भी आपको हैवी फील नहीं कराता है, आपके ऐसा नहीं लगता कि आपके आईलिड के ऊपर कुछ हैवी सा रख दिया गया है, आपके आईलिड के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं आता है। तो बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा है क्वालिटी में। सो आई थिंक आपको एक बार तो ट्राई करना चाहिए। तो ये ऐसा है ना कि ये आपको नेचुरल हेयर लगेंगे, आपकी जो नेचुरल पलकों की जो हेयर होती है ना, ये आपको वैसी लगेंगे, आप देख सकते हो। ये वो प्लास्टिक जैसे जो आते हैं मोटे से, ये बिल्कुल वैसे नहीं है। मुझे थोड़े पसीने आ रहे हैं क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ है। सो ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है, ये बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के हैं एंड अगर एंड ये इसकी जो ये चीज़ है ना, ये थोड़ी सी मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट है। सो आपको थोड़ा सा पकड़ने में प्रॉब्लम होगा हैंड से, आप इसे हैंड से अप्लाई करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप टीजर की हेल्प से अप्लाई करोगे तो बहुत ही इजीली अप्लाई होगा। तो आप अगर अच्छी तरह से अच्छा ग्लू यूज़ करके जब आप इसे अप्लाई करते हो, स्टिक कर लेते हो, उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बहुत सारे ऐसे लैसेस देखे हैं कि आप लगाओ और थोड़ी देर के बाद वो निकलने लगते हैं, गाइस मैंने देखा है। तो ऐसे क्वालिटी में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है बहुत सारे लैसेस की अच्छे से स्टिक कर पाए, पर ये बहुत ही अच्छा है, ये बिल्कुल ईजिली नहीं निकलता है आपके आई से, बहुत अच्छे से स्टिक होता है। बस आपको एक अच्छी क्वालिटी का ग्लू चाहिए क्योंकि ग्लू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लैसेस को स्टिक करने में, सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है उसका। तो ये बहुत इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड आप मेरे आईज़ पे देख सकते हो कि जब इसे आप इसे अप्लाई करते हो तो ये बिल्कुल भी ऐसे फेक नहीं लगता है। हम इसे फेक लैसेस तो बोलते हैं बट हम ये भी चाहते हैं कि फेक ना लगे, ऐसा ना लगे कि हमने कुछ अलग से लगाया है। हम चाहते हैं कि हर चीज़ नेचुरल लगे, हर चीज़ रियल लगे। तो ये बिल्कुल आपको रियल लुक देगा, बिल्कुल आपके एक्सटेंशन जैसा लग रहा है ये। मुझे ये वाले लैसेस तो हटाने का मन ही नहीं कर रहा। मैंने जब इसे अप्लाई किया तो मुझे मैं इसे लगा के रखी हूँ, मैंने बहुत देर तक लगा के ऐसे मिरर में मैं देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये ऐसा लग रहा है ना कि मैंने कोई एक्सटेंशंस लगवाया है न्यू, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो इस तरह के बहुत सारे इसमें आपको लेसेस मिल जाएंगे जो कि आपको नेचुरल लुक देंगे, जो कि आप डे आउट जा रहे हो एंड अगर आप अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हो एंड आप चाहते हो कि आपके लेसेस पे वो ध्यान दे, तो आप इस तरह के आप लेसेस अप्लाई कर सकते हो जो कि नेचुरल भी लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे। सो जो लास्ट थिंग है इसकी प्राइस, तो मैं प्राइस आपको बता दूँ, ये मुझे मिला था अंडर 500। कैन यू बिलीव, मुझे 10 पीसेस मिले थे अंडर 500, मीन्स ये मुझे मिला था 449 में फ्लिपकार्ट पे, मीन्स एक लैसेस के 50 रुपीज़ भी नहीं हो रहे हैं। अगर 500 होते हैं तब एक लैसेस के 50 रुपीज़ होते हैं, बट यहाँ 500 भी नहीं है। सो 500 तो 50 रुपीज़ से भी कम पड़ रहा है आपका एक लैसेस। आप मार्केट में जाते हो, लोकल मार्केट में भी जाते हो, आपको स्टॉल वगैरह से फॉल्स लैसेस लेते हो, तो आपको 50 से कम नहीं मिलने वाला है। मैंने खुद परचेस किया है, जो मेरा फर्स्ट लैस था जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, तो मैंने 50 रुपीज़ में ही परचेस किया था एंड उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैंने बस एक बार उसे अप्लाई किया एंड दूसरी बार मैं उसे नहीं अप्लाई कर पाई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, मीन्स वो स्टिक ही नहीं हो पा रहा था दूसरी बार में।
तो इसलिए। बट इसके साथ ऐसा नहीं है, आप इसे अच्छे से अप्लाई करो, देन अच्छे से निकालो एंड इसे अच्छे से आप साफ करो एंड देन इसे इसके बॉक्स में लगा दो एंड अगेन आप इसे यूज कर सकते हो। सो आप एक लैसेस को कम से कम 5 से 6 बार यूज कर सकते हो अगर आप उसे अच्छे से रखते हो तो। ये फ्लिपकार्ट पे देखा तो मैंने इसके रिव्यू भी देखे, तो रिव्यू भी इसके अच्छे रहे, मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर सारे अच्छे नहीं निकले तो कम से कम 2-3 तो अच्छे निकल ही जाएंगे जो कि मेरे काम आ जाए, तो इसलिए मैंने रिस्क लिया। बट मेरा रिस्क जो था वो अच्छा रहा, मुझे गिल्टी फील, मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा है, मैं खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे प्राइस में इतने अच्छे अच्छे लैसेस मिल गए हैं जो कि मेरे इतने काम आएंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके पास इतने सारे लैसेज हों, इतने अमेजिंग अमेजिंग वैरायटी के लैसेज हों, इतने अलग अलग तरह के लैसेज हों, सो अगर आप ये परचेज करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लें एंड आप मेरे साथ भी इसका रिव्यू शेयर करें कि आपको कैसा लगा। सो आज के लिए इतना ही, होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो बाय गाइस।